सो हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। नहीं तो यार, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे इंस्टाग्राम हैशटैग्स के बारे में। दोस्तों, आप लोग यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखते होंगे कि इंस्टाग्राम हैशटैग को प्रॉपरली तरीके से कैसे यूज़ करें, तो जैसे वो लोग बताते हैं उस तरीके से आप लोग यूज़ करते हो, बट दोस्तों आप लोगों को उस टाइप का मतलब कि जैसे लाइक्स वगैरह नहीं आता है, गजब बेइज्जती है, ये चीज़ आप लोग देखते होंगे। बट मैं आज की इस वीडियो में ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे कि 101% मैं लिख के दे देता हूं कि आप लोगों को लाइक्स ज़्यादा आएंगे, ठीक है? मतलब कि मिनिमम 1000+ तो आ ही जाएंगे हर एक पोस्ट पे, मतलब कम फॉलोवर्स होने के बाद भी। तो कैसे करना है मैं आप लोगों को ये बताऊँगा, पोस्ट पर मतलब कि हैशटैग कैसे यूज़ करना, एंड स्टोरी पे आप लोग स्टोरी लगाते होंगे, स्टोरी पे भी हैशटैग होता है, कैसे होता है आप लोग नहीं जानते होंगे तो इस वीडियो कंप्लीट देख लेना, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले आप लोगों के लिए, क्योंकि ये वीडियो सबसे अलग है, पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? तो कैसे क्या करना है आगे चलकर बताऊंगा। तो यार प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना मेरा भाई, देख लेना। तो फिर चलिए बिना टाइम वेस्ट करते वीडियो। तो यार देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को पोस्ट पे बताऊंगा कैसे मतलब कि हैशटैग को यूज़ करना, एंड उसके बाद आप लोगों को बताऊंगा स्टोरी पे। तो देखो यार, जब आप पोस्ट करते हो तो उसमें क्या होता है कि मान लीजिए जब लास्ट में कैप्शन का ऑप्शन आता है तो आप लोग क्या गलती करते हो, उसी में हैशटैग्स वगैरह लगा देते हो, तो ये सबसे बड़ी गलती है आप लोगों का। तो ये नहीं करना है, क्या करना है आप लोगों को मोबाइल की स्क्रीन पे जाके बताऊंगा, ठीक है? तो इससे पहले आप लोग बताओ चैनल को सब्सक्राइब किए हो कि नहीं? नहीं तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक अभी से कर दो। तो चलिए आप लोगों को दिखा के चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर, और आप लोग ध्यान किधर है भाई साहब? इधर नहीं, इधर देखो, आपको ही बोल रहा है, इधर देखो, इधर नहीं। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। सो यार, जैसे कि देख सकते हैं मैं मोबाइल पर आ चुका हूँ, एंड सबसे पहले इंस्टाग्राम पर ओपन कर लेता हूँ, एंड ये पार्ट को मिस मत करना, काफ़ी तगड़ा वाला पार्ट है, मतलब कि आप लोगों के लिए बहुत हेल्प करेगी। तो सबसे पहले मैं पोस्ट वाले ऑप्शन पे चला जाता हूँ, एंड यहाँ पर पोस्ट पर जाते हैं, एंड यहाँ पर पोस्ट पर जाने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर क्लिक करके एंड कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई सा भी एक पोस्ट ले लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर थंबनेल के लिए आता है ये वाला, तो इसको मैं पोस्ट करूँगा। तो यहाँ पर सिंपल से आप लोगों को पता है ये सब स्टेप्स, तो आप जैसे लास्ट में जो ये स्टेप है इस पार्ट को मिस मत करना। अब यहाँ पर क्या लिखते हो, जैसे कि कुछ कैप्शन लिख देते हो, जिस भी आपका पोस्ट हो जिस टाइप का हो तो उस टाइप का आपको कैप्शन लिख देते हो, ठीक है? एंड यहाँ पर क्या करते हो, उसके बाद आप लोग मतलब कुछ भी कैप्शन लिख देना, जैसे कि मैं यहाँ पर थंबनेल पर क्लिक किया था, तो यहाँ पर थंबनेल लिख देता हूँ, ठीक है, थंबनेल, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं यहाँ पर आप क्या करना है कि कुछ कैप्शन लिख देने को सिंपल से आप लोगों को डॉट 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 देना, ठीक है, 3-4 डॉट दे देना, ताकि अच्छा लगता है देखने में, क्योंकि कोई भी जो मतलब कि बनता है आपके प्रोफाइल में तो वो जो हैशटैग ऊपर में दिखाई देता है तो वो उतना अच्छा नहीं लगता। अब जैसे मोर पर लिखा रहा था, वहाँ पर मोर लिखा रहा था, उसके नीचे क्लिक करेगा तभी आपका हैशटैग सब दिखेगा। तो इस टाइप को करना है, एंड यहाँ पर नीचे इस टाइप कर देना है, एंड यहाँ पर हैशटैग देना है। अब हैशटैग जो देना है वो कैसा देना है ये चीज़ आप लोग समझ लो, ठीक है? अब दोस्तों मतलब आप लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए ये जो थंबनेल के लिए लगाए थे तो मैं यहाँ पर YouTube लिख देता हूँ, ठीक है, जैसे कि बेसिकली YouTube, तो YouTube लिख देता हूँ। अब आप लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कोई सा भी पोस्ट आप लोग का, तो आप लोग देखना अपने हिसाब से हैशटैग्स को कि आपका जिसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम है, मतलब कि आप लोग जैसे कि ये वाला, जैसे तो ये वाला YouTube है, सॉरी मैं यहाँ पर टच अलग हो गया, जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, जैसे कि मैंने YouTube लिखा था, तो ये देख सकते ये पब्लिक पोस्ट लिखा हुआ है, इतना सारा लोगों ने पब्लिक पोस्ट का इस वाले पोस्ट पे। तो अगर आपको आप भी इसी को मतलब कि लेते हो तो आपका पोस्ट उतना हाईली मतलब कि जैसे ट्रेंडिंग सेक्शन में नहीं आने का ही चांस नहीं है, क्योंकि देखो इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, तो आप भी सोचो खुद कैसे आएगा। तो आप लोगों को क्या करना है कि जिसमें कॉम्पिटिशन लो है उसी को लेना है, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर यूट्यूब अपने हिसाब से लेना, या फिर आप लोग देखना मतलब कि जैसे कि ये वाला यूट्यूब आ रहा है, बाकी तो यूट्यूब नहीं लिखा हुआ, तो आप लोग ये वाला अगर क्लिक करते हो, ये वाला लेते हो, तो इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो आप लोग ये वाला लेना नहीं है, आप लोग अपने से बैक कर देना। यानी मान लीजिए मतलब कि आप लोग ये चीज़ ध्यान देना, जिसमें कंपटीशन लो है उसी चीज़ को लेना है। अब मान लीजिए जैसे कि मैं यहाँ पर यूट्यूब लिख दिया हूँ, अब मैं थंबनेल लिख देता हूँ, ठीक है, थंबनेल। अब यहाँ पर देख सकते हो थंबनेल इतना लोगों ने पोस्ट किया था, अब थंबनेल्स ये लोग सॉरी क्या क्या टच हो जाता है यार, ठीक है, ये थंबनेल्स इसमें कम पोस्ट है, मतलब कि थोड़ा इससे ज़्यादा जो ऊपर वाला से इससे ज़्यादा इससे कम है थोड़ा सा, ठीक है? तो आप लोग सिंपल से ये वाला ले सकते हो, या फिर थंबनेल प्रेस सेट ये वाला ले सकते हो, मतलब कि इसमें कंपटीशन बहुत कम है। तो आपका अगर थंबनेल वगैरह जो भी मतलब कि जिस भी टाइप का फोटो है, हालांकि मेरा मतलब थंबनेल के लिए इसीलिए मैं थंबनेल बता रहा हूँ, तो आप लोग अगर पोस्ट कोई ऐसे मतलब कि स्टाइलिश वाला पोस्ट होगा तो आप लोग उस टाइप का ले लेना, मतलब कि आप लोग ये चीज़ ध्यान देना जिसमें कम लो कॉम्पिटिशन हो उसी को लेना है, ठीक है? आप लोग ऐसे अदर कोई लेना नहीं है। तो आप लोग मान लीजिए ये वाला थंबनेल पोस्ट है, या फिर ये वाला थंबनेल सीसीपी ये वाला कम पोस्ट है, मतलब कि ये सब क्या है कि मैं अगर लूँगा, अगर मेरा थंबनेल अच्छा होगा
तो मतलब कि जैसे किसी किसी ट्रेनिंग सेक्शन में जाना है कि भी ज़्यादा चांस रहता है, ठीक है। तो आप लोगों को लो कंपटीशन जिसमें वही वाला लेना है, ठीक है। अब मतलब थंबनेल मतलब कि यहाँ पर लिख देता हूँ बैकग्राउंड, ठीक है जी, डी ओके। तो मान लीजिए सॉरी यहाँ पर हैशटैग लगाना ही भूल गया मैं। सो यहाँ पर बैकग्राउंड लेना है। अब मान लीजिए यहाँ पर बैकग्राउंड ले लेता हूँ। अब ये वाला बैकग्राउंड जो लिया हूँ, अब मान लीजिए यहाँ पर आ जाता है तो देख सकते हो बैकग्राउंड जो इसमें बहुत ज़्यादा मतलब कंपटीशन। तो आप लोग क्या करना है कि नीचे वाला लेना है जिसमें लो कंपटीशन है का उसी को लेना है। इससे आपका ट्रेंडिंग सेक्शन में जो जो भी फोटोज़ वगैरह वीडियोज़ वगैरह जिस भी मतलब कि जैसे भी आप लोग लगाते हो वो सब लगाओगे तो आपका मतलब ट्रेंडिंग सेक्शन में जाने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहता है एंड लाइक्स भी बढ़ेंगे पोस्ट में एंड आपका जाके फॉलोअर्स भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो यही चीज़ आप लोगों को करना है कि जिसमें कम लो कंपटीशन है उसी को हैशटैग्स को लगाना है। हाई लो मतलब हाई कंपटीशन वाले हैशटैग्स को नहीं लगाना, क्योंकि बड़े बड़े क्रिएटर लगाते हैं तो उनका तो ऑलरेडी फॉलोअर्स ज़्यादा ही होता है। तो और जैसे जैसे अपन लोग जैसे छोटे छोटे क्रिएटर है अपन लोगों को उतना मतलब कि फॉलोअर्स नहीं है तो ऐसे तो नहीं जाएगा ना ट्रेनिंग सेशन में। इसलिए आप लोग जिसमें लो कॉम्पिटिशन वही चीज़ की यूज़ करना है, ठीक है। तो आप लोग उम्मीद करता हूँ आप लोग ये बात समझ गए होंगे। अब मैं पोस्ट पे बता देता हूँ सॉरी स्टोरी पे कैसे लगाना है वो भी बता देता हूँ। तो यार अब आप लोगों को पता चल गया कि पोस्ट पे कैसे हैशटैग यूज़ करना है सही तरीके से। उम्मीद करता हूँ आप लोग ये बात समझ में आएंगे। अब बता देता हूँ आप लोगों को स्टोरी पे कैसे करना है। स्टोरी पे सबसे बड़ी बात आप लोग स्टोरी पे आप लोग नहीं जानते होंगे कि स्टोरी पे कैसे लगाते हैं। और वीडियो थोड़ा सा अलग टाइप का आ रहा है क्योंकि धूप ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसे मैनेज कर लेना। तो फिर चलिए आप बताते हैं स्टोरी पे कैसे क्या करना है। तो चलिए मोबाइल के स्क्रीन पर चलते हैं। लीजिए मैं स्टोरी पे जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर स्टोरी पे क्लिक कर लेते हो एक बार। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे क्लिक करके आप लोग स्टोरी लगाते हो तो मान लीजिए यहाँ पर भी मैं कोई ऐसा एक फ़ोटो ले लेता हूँ जैसे कि यही वाला ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग क्या करना है यहाँ पे जैसे कि यहाँ पर क्लिक करके हैशटैग तो हैशटैग कुछ लगा देना है जैसे कि सॉरी यहाँ पे सॉरी एक बार यहाँ पे एंड यहाँ पे हैशटैग मतलब कि जैसे यहाँ पर फोटोग्राफर लिख देता हूँ फोटो बेस्ट फोटो लिख देता हूँ BST PH। इसमें कोई कंपटीशन वगैरह का काम नहीं है लेकिन बेस्ट फोटो जो है यहाँ पर क्लिक कर लेके बेस्ट फोटो जो लिखा हुआ है इसी को ले लेना है। एंड यहाँ पे देखो अब मतलब आप लोग सोचते होंगे यहाँ पर दिख जा रहा तो ये अच्छा नहीं दिख रहा है तो टेंशन क्यों लेते हो मेरा भाई। तो यहाँ पर क्लिक कर लेना है एक बार एंड यहाँ पर सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा इसको छोटा कर देना है एडजस्ट कर लेना है। और आप लोगों जो ड्रेस पहने होंगे तो उस टाइप का कलर कर देना है इसका जो टेक्स्ट का कलर। जैसे कि यहाँ पर कलर करते हो तो यहाँ पर कलर पर क्लिक करके यहाँ पर राइट साइड में देख सकते हो जैसे कि ये मैं जो कपड़ा पहना हूँ ये शर्ट टी शर्ट तो काला रंग का है तो यहाँ पर ब्लैक कर देना। इसको ब्लैक कर देने के बाद यहाँ पर ओके कर देना। अब दिखा मतलब बताओ मेरा जो हैशटैग वो कहाँ है, नहीं कहीं दिख रहा है ना। तो यही चीज़ करना आप लोगों को भी पोस्ट पे भी हैशटैग लगाना चाहिए मेरे भाई। ये सब लोग नहीं यूज़ करते हैं, आप लोगों को पता नहीं होगा। और कोई कोई यूज़ करता है तो आप लोग पता भी नहीं होता है क्योंकि देखो आप लोग इस फोटो को देख के बताओ कहाँ हैशटैग हुआ है, नहीं पता कर पा रहे हैं ना। तो यही चीज़ आप लोगों को भी करना है। इस टाइप के हैशटैग लगाओगे ना तो आपका इंस्टाग्राम मतलब कि जो आइडिया वो भी वायरल हो सकता है एंड फोटोज़ भी लाइक आएंगे एंड स्टोरी व्यूज़ भी ज़्यादा बढ़ेंगे। तो इस टाइप के आप लोग भी कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग क्लियर तरीके से समझ गए होंगे। तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा इस वीडियो को बनाने में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग लाइक कर देंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो भाई यार चलिए आज के लिए इतना, तब तक के लिए जय हिंद।